अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस क्या हाल है, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जी आज है आपके भाई की ट्रेनिंग का डे 3। जी हाँ, तो बस अब जा रहे हैं, चेंज कर लिया आपके भाई ने। आज ये है आपके भाई का लुक, और बस कॉफ़ी लेनी है रास्ते से, सर में दर्द हो रहा है, और कॉफ़ी लेके फटाफट चलते हैं ट्रेनिंग में और दिखाते हैं आज के आखिरी दिन के आपको मंजर। तो यल्ला हबीबी व्लॉग कैपी वी। ये आपके भाई की आ गई कॉफी, और बस अब निकलते हैं डेस्टिनेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से फिर से आ गया पार्किंग में, और बस अब ढूंढ रहे हैं पार्किंग, और ये मिल गई पार्किंग, यहाँ लगाते हैं गाड़ी और चलते हैं ट्रेनिंग में, क्योंकि थोड़ी देर हो गई है। तो फटाफट से बस पहुँचते हैं ऊपर। ये मिल गई पार्किंग, ये लगा दी आपके भाई ने गाड़ी, और ये है कुछ ऊपर से इसका व्यू। सामने बिल्डिंग फेसिंग व्यू मिला है आज आपके भाई। अब यहाँ से पकड़ते हैं लिफ्ट, और लिफ्ट से चलते हैं नीचे और चलते हैं अपनी ट्रेनिंग पे। जी फाइनली पहिया पहिया फिर से आपका भाई जाते हुए। यार बनानी चाहिए यार, खत्म नहीं होता भाई, बनाना चाहिए कि आप डायरेक्ट गाड़ी खड़ी करके और अंदर डायरेक्ट बिल्डिंग में पहुंचो, चीटिंग है। और फिर से पहुंच गए हम ट्रेनिंग में, लगता है ट्रेनिंग शुरू हो गई है। One hour later. हो जी गाइस, हो गई ट्रेनिंग ख़त्म, अब जा रहे हैं हम लोग लंच करने के लिए, देखते हैं आज क्या क्या है लंच में। हो जी एंटर हो गए किचन में, और अब देखते हैं क्या है हमें खाना, और आज खाने में क्या क्या है। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, भरा हुआ तो वैसे ही आबाद है कल की तरह ही। तो बस अब देखते हैं क्या खाना है हमें। ये आगे प्लेट आपके भाई की, और यहाँ पे इसका कर रहे हैं वेट। ये आ गया आधा खाना, और ये आ गया कुछ लैम का सामान। ये आ गया आपके भाई का खाना, जो जो पाँच में आ रहा था वो ले लिया। ये कुछ मेरे ख्याल से बारबेक्यू है, ये कुछ चिकन का रोस्टेड है, थोड़ा सा सालन ले लिया, और ये सैलड भाई का फेवरेट। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से खाना खा के हो गए हैं फ्री, पेट फुल हो गया है ज़बरदस्त तरीके से, और बस अब जो है वो आ गए हैं लिफ्ट में, और बस अब चलते हैं गाड़ी के पास। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी कर दी स्टार्ट। अब थोड़ी सी गाड़ी गर्म हो तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह घर के लिए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि शाम में क्या है प्लान्स। फाइनली पहुंच गए घर। तो जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से घर आ गए थे, घर आके थोड़ा सा लेट गया, रेस्ट वेस्ट किया, उसके बाद फिर उठे चाय वाय पी, और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, क्योंकि मुझे अलीना ने बोला है कि उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया है। वा, 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 वा। अलीना क्या सीन है, मुझे सरप्राइज देना आपको, कल जा नहीं सके थे हमें दाना, दावत में गए हुए थे हम लोग आज इंशाल्लाह। तो बस अब चलते हैं कि कहाँ ये लेके जा रही है हमें, और क्या है सरप्राइज, तो देखते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस हम लोग आए हैं फ्राई किट में आज, ये आप देखें यहाँ का कुछ प्यारा सा एटमोसफेयर, बहुत प्यारे तरीके से डेकोरेट हुआ है सारा, और यहाँ पे अलीना लेके आई है ट्रीट देने के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यस तो ये ट्रीट देने आई है, अभी ऑर्डर हम लोगों ने कर लिया है, अब ऑर्डर आता है तो आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने मंगवाया है। तो अभी तक ऑर्डर का हम लोग वेट कर रहे हैं, ये बैठी हैं अलीना, और वो छोटू हमारे लेट गए, वो देखें चेक करें। तो अलीना ये ट्रीट का कब सोचा था तुमने, कल लेकिन जा नहीं पाए, तो मतलब
तो वो कल का हमारा प्लान था बेसिकली कि हम लोग कल जाएंगे वैलेंटाइन डे। तौबा, क्योंकि मैं नहीं बनाता वैसे तो, अगर आप देखें तो मैं इतने उससे शौक से नहीं बनाता हूँ, लेकिन अजीना ने कहा यार कम से कम एटलीस्ट हम लोग डिनर करने जा सकते हैं। चल झूठा, क्योंकि मैं कहता हूँ यार प्यार को जरूरत नहीं है एक दिन की, प्यार करो आप डेली करो। क्या कहती हूँ अलीना इस बात पर? इंजॉय बस ये डिनर वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया। मैं कहता हूँ यार साल में पूरा साल तो प्यार करते ही हो ना, आपको क्या एक दिन की ज़रूरत है कि सिर्फ एक दिन हो तो उसमें यहाँ वैलेंटाइन डे वो करो? तो हम लोग टाइम नहीं होता इसमें, ये है कि हमें टाइम मिल जाता है आज का थोड़ा। हम लोग निकले थे, अलीना ने कल से बुकिंग की हुई थी कि आप आएंगे तो हम लोगों को जाना है, तो मैंने कहा यार इससे प्यारा एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा अलग भी सेटअप हो जाएगा। और आज मूड हो रहा था कुछ बर्गर वगैरह खाने का, तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं, ऑर्डर होता है रेडी, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या ऑर्डर किया हम लोगों ने। तो जी गाइस फाइनली ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये हमने मंगवाई है फ्राइज, ज़बरदस्त। और ये आ गया बर्गर्स, ये आ गई हमारी ड्रिंक्स, और ये इन्होंने दे दी ओपन केचप। हाँ भाई मज़ेदार लग रहा है कुछ, बहुत मज़ेदार लग रहा है कुछ। तो बस फटाफट से खाते हैं ये रात का खाना और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो मोहम्मद आपको कैसा लगा बताएं यार? इतना लिटरली इतने मज़ेदार इसका जिंगर है, मैं आपको एक बार कितना जूसी है, टेंडर और जूसी जूसी सॉस, और इसकी जो जिंगर की इतनी बेहतरीन है कि जिसकी कोई ध्यान नहीं। मस्ट ट्राई करें, फ्राई किट के नाम से दमाम में मेन तावा सेंटर के पीछे, हाईली रिकमेंडेड है, आपको लाजमी तौर पर ट्राई करना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, हाँ मेरी तरफ से भी, क्योंकि बहुत टेस्टी है जो अभी एप्पल वाला, तो बहुत टेस्टी है अब ये वाला, मज़ा आया है ना, ये भी आई गेस अच्छा ही है देखने में। अच्छा ये आप खाएं, केएफसी को पीछे छोड़ देंगे, इतने मज़े का टेस्ट है, बहुत बढ़िया। तो जी आपके भाई ने खाना खा लिया था, और ये साहब आ गए पापा के पास, क्योंकि मामा अभी खा रही हैं खाना, तो बस खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार था। तो बस अब चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं और आपको पूरे रिव्यूज़ देते हैं। तो जी गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और बैठ गए गाड़ी में, और हम निकल गए हैं कॉर्निज की वादियों में थोड़ा सा एक लॉन्ग ड्राइव करने के लिए। अलीना आपका प्लान है लॉन्ग ड्राइव? तो बस थोड़ा बातें, ओनो शोनो खेलेंगे, ओनो शोनो खेलेंगे, थोड़ी बातें बातें करते हैं, आइसक्रीम का भी मूड हो रहा है, तो देखते हैं कि अलबेग चलते हैं, क्योंकि अलबेग में बहुत रश होता है और हैवी वीकेंड, तो देखते हैं कि अगर टाइम मिलता है और रश कम है तो हम लोग वहाँ से लेते हैं आइसक्रीम। तो जी गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ कि आइसक्रीम जहाँ जहाँ से लेनी थी वहाँ वहाँ से हजम मामूल अलीना के फ्लेवर्स नहीं मिले, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सीखो, हमने ले लिया अहमद को, वहाँ से जाके चाय भी लेते हैं, और पैकेट वाली ही आइसक्रीम लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बस कुछ मिनिमम फ्लेवर्स हैं जो अलीना को पसंद है। तो हमारे अहमद भाई भी आ गए, तो आई यस, तो बस अब चलते हैं सीखो और चाय लेते हैं और आइसक्रीम लेके फिर आते हैं। तो जी गाइस ये आ गई चाय हमारी, और ये आ गया शालीमार जहाँ की सबसे फेवरेट चाय है, और ये अहमद भाई और मैं आ गए थोड़ी देर के लिए बाहर, ये लोग बैठे गाड़ी में, और बस यहाँ से चाय वाय पीते हैं और चलते हैं घर। ये चेक करें लेकिन ये वीकेंड पे रश कितना होता है यहाँ पर, जाम हो जाम, टापो टाप। तो जी गाइस ये आ गए हम लोग आइसक्रीम लेने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीमें हैं लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें मिलती है नहीं, वो ढूंढते हैं। तो जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से आपका भाई आ गया घर, माशाल्लाह मज़ा आया, हवा भी थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ा बैठ नहीं पाए, आइसक्रीम वगैरह ले ली और घर आ गए, और यहीं से करते हैं इस व्लॉग को एंड। उम्मीद है ये व्लॉग आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा, और अगर नहीं आए तो पसंद करने की कोशिश करें, प्यार दिखाएं अपना जिस तरह आप लोग दिखा रहे हैं, दिखा रहे थे। मिलेंगे कल आपसे एक नए व्लॉग में, यल्ला हबीबी, व्लॉग कभी भी, अल्लाह हाफिज़।